चेहरे पर भाप लेने की प्रथा रोमन और यूनानियों के समय से चली आ रही है। वे अपने शरीर को अंदरूनी तौर पर साफ करने के लिए स्टीम लिया करते थे। अगर आपकी स्किन ड्राई है या स्किन पे अक्सर मुहासे आदि की समस्या हो जाती है तो आपको सप्ताह में एक बार स्टीम जरूर लेना चाहिए। चेहरे पर खोया निखार लौटाने के लिए ज्यादातर सौंदर्य विशेषज्ञ की तरफ से समय समय पर स्क्रब लेने की सलाह दी जाती है। चेहरे पर जमी धूल गंदगी को साफ करने के लिए स्टीमिंग बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। स्टीम लेने से आपके शरीर की हेड स्किन निकल जाती है, पोर्स क्लियर हो जाते हैं और आपकी त्वचा को सांस लेने में भी मदद मिलती है। चेहरे पर ब्लैक हेड की समस्या से अगर आप परेशान हो तो हफ्ते में दो बार स्टीम जरूर लेना चाहिए। स्टीम लेने से जो गर्मी आपके फेस पर लगती है उसके स्किन के अंदर की ब्लड वेसल्स फैलती हैं। ऐसे में चेहरे पर ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, इससे आपकी स्किन पर फ्रेशनेस आ जाती है और स्किन ग्लो करती है। जिनका चेहरा ड्राई है उन्हें स्टीम लेने से काफ़ी फायदा मिल सकता है। स्टीम लेने से चेहरे पर नमी बरकरार रहती है। इसके साथ ही अगर आपके स्किन पे झुर्रियाँ हों या स्किन लूज हो गई हो तो उसे स्टीम ट्रीटमेंट के जरिए टाइट किया जा सकता है। चेहरे पर पिंपल्स की समस्या ऑयल ग्लैंड्स पर गंदगी जमने की वजह से होती है। स्टीम लेने से गंदगी बाहर निकल जाती है। पिंपल्स से बचने के लिए चेहरे पर 5 से 10 मिनट स्टीम लेने के बाद आइस क्यूब से चेहरे की मसाज करें। स्टीम लेने का तरीका। स्टीम लेने के लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म करें, इसके बाद सिर पर तौलिया रखें। इसके बाद सिर पर तौलिया ऐसे रखें कि पानी वाला बर्तन भी कवर हो जाए। इसके बाद 5-10 मिनट स्टीम लें। भाप लेने के लिए आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।